दोस्तों हम लोगों ने Flipkart पे लेटर की एक वीडियो बनाई थी जिस पर काफ़ी सारे अच्छे व्यूज रहे, लेकिन उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में काफ़ी लोगों ने मेरे को कमेंट करके पूछा है कि भाई हम Flipkart पे लेटर को कैसे क्लोज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग वही जानेंगे कि कैसे आप लोग Flipkart पे लेटर को जो है वो क्लोज करा सकते हो। अब आपके कुछ भी रीज़न रहे हो, आपका कोई भी रीज़न हो सकता है इसको क्लोज कराने के पीछे, तो मैं आपको यहाँ पर दो तरीके बताऊँगा जिससे आप जो है Flipkart पे लेटर को क्लोज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपने Flipkart को ओपन करना है और ये हमारा पहला तरीका है। तो सबसे पहले आप इस प्रोफाइल आइकॉन पे जाएं, देन Flipkart पे लेटर, और यहाँ पर वो मेरी सारी जो है लिमिट्स दिख जाएंगी, कितने मेरे पैसे जो मैं यूज़ कर सकता हूँ। जैसे 35,000 है जो मैं अपनी लिमिट यूज़ कर सकता हूँ, 7,000 पे लेटर पर, 35,000 EMI पर और 25,000 स्मार्ट अपग्रेड पर। तो आपने अकाउंट सेटिंग्स पर जाना है और एक चीज़ यहाँ से देखनी है, वो है आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी कि कौन सी यहाँ पर हमारे अकाउंट के साथ में कनेक्टेड है, वो यहाँ से आप जो है नोट करें। देन आप जो है सिंपली अपना ईमेल ऐप जो है वो ओपन करेंगे और आपने यहाँ पर ईमेल जो है कंपोज करना होगा, मतलब कि ईमेल सेंड करना होगा। तो आप कंपोज ईमेल पर जाएं और आपने जो टू वाला सेक्शन है वो cs@flipkart.com पर इसको रखना है, और आप सब्जेक्ट लाइन में जो है वो लिखेंगे क्लोज माई Flipkart पे लेटर अकाउंट, और कंपोज मेल में आपने ये सारा मैटर जो है वो टाइप करना है जो आपको सामने दिख रहा है। ये मैटर जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो ये सारी चीज़ मैं आपको फिर से एक बार जो है वो रिपीट कर देता हूँ, जैसे कि आपने इस पर भेजना है और आपने सब्जेक्ट लाइन में ये रखना है और कंपोज जो है वो ये करना है। देन आप सिंपली जो है सेंड पर क्लिक करेंगे। जैसे आप सेंड पर क्लिक करते हैं आपका ईमेल जो है Flipkart को मिल जाएगा और वो यहाँ पर इस ईमेल पर एक्शन लेगा और 7 दिन में ही बंद कर देगा। दूसरा तरीका हमारा, हम यहाँ पर जाएंगे प्रोफाइल आइकॉन पर, देन आपको हेल्प सेंटर ढूंढना है नीचे आकर के। तो यहाँ से हम हेल्प सेंटर पर जाएंगे और यहाँ पर हमारे नीचे आकर के हमें इशूज मिलेंगे बहुत सारे। तो हमें आई वॉन्ट हेल्प विद अदर इशूज पर क्लिक करना है और आपको यहाँ से जो कैटेगरी है फिर से अदर सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर देखिए आ भी रही है, तो हम अदर पर क्लिक करेंगे और नीचे हम लोगों को कॉन्टैक्ट अस वाला जो है वो एक बटन मिल जाएगा। तो हमने उसी बटन पर क्लिक करके यहाँ पर देखिए हम क्लिक कर देते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे ये बोल रहे हैं कि हम आपको कॉल करेंगे, तो रिक्वेस्ट कॉल पर क्लिक करें। अब हमने यहाँ पर डिसाइड करना है कि कौन सी लैंग्वेज में जो है हम कॉल चाहते हैं कि वो हमें कॉल करें। देन यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं, आपको हमें अगले 5 मिनट में ही कॉल चाहिए कि वो कॉल करें, और यहाँ पर आप अपना इशू डिस्क्राइब कर सकते हैं। देन आपने सिंपली जो है नीचे सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे हम लोग सबमिट पर क्लिक करते हैं, अब अगले 5 मिनट में हमें कॉल आएगा, तो हम उसका वेट करते हैं। तो देखिए हमें जो है वो कॉल आ चुकी है। हेलो, मेरा नाम दासी है और मैं Flipkart से बात कर रही हूँ। तो मेरी बात दामू जी से हो रही है। यस मैम, आपकी बात दामू जी से हो रही है। मैम एक्चुअली मेरे को एक प्रॉब्लम आ रही थी मैम Flipkart पे लेटर को लेकर के। मैम एक्चुअली मैं ना पे लेटर को बंद करना चाह रहा हूँ, तो आप उसके लिए कुछ प्रोसेस बता सकते हैं या आप कर सकते हैं तो प्लीज उसको अकाउंट को क्लोज कर दें। जी मैम, मैं मतलब कि क्या बोलते हैं अपना Flipkart पे लेटर अकाउंट जो है बंद करना चाह रहा हूँ। ओके दामू जी, माफी चाहती हूँ, आपको पे लेटर से रिलेटेड इस तरीके का इशू फेस करना पड़ा है। ओके, निश्चित रहिए आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगी अपने इस कॉल पर मैं। जी जी, सब ऐसे कुछ स्पेसिफिक रीजन नहीं है जिसकी वजह से आप बंद करना चाहते हैं। मैम एक्चुअली स्पेसिफिक रीजन तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली मेरे पास ना बहुत ज्यादा क्रेडिट कार्ड्स हो रहे हैं, मतलब कि मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, तो इस वजह से मेरे को मतलब कि बेहतर लग रहा है कि मैं Flipkart पे लेटर वगैरह जो है वो क्लोज करा दूं। ओके, कोई इशू नहीं है। मतलब कि मैम जैसे कि मैं भूल जा रहा हूँ कि मतलब कि पेमेंट यहाँ पे भी करनी है, जैसे कुछ चीज खरीद लेते हैं तो मेरे मतलब कि ये पर्सनल रीजन है, तो आप इसको क्लोज कर दें तो बेहतर रहेगा मेरे लिए। अगर मेरे को कभी फ्यूचर में एक्टिवेट करना होगा तो मैं आपको बोल करके एक्टिवेट करा लूंगा या खुद से कर लूंगा मैम। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसके बारे में कंप्लेन फॉरवर्ड कर देती हूँ। ठीक है जी दामो जी, आप निश्चिंत रहिए, मैंने यहाँ पे लेटर के इशू से रिलेटेड जो कंप्लेन है वो ऑलरेडी एक्टिवेट कर दिया है पैकिंग टीम के पास में, और आपसे रिक्वेस्ट रहेगी मेरी, आप प्लीज 12th February तक वेट करिएगा सर। 12th February या उससे पहले तक आपको जल्द से जल्द टीम कॉन्टेक्ट करेगी इस इशू से रिलेटेड, और जो भी फर्दर अपडेट्स होंगे आपको टीम के एंड से प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की जाएगी। आप बिल्कुल निश्चित रहिए। मतलब मैम क्या बोलते हैं, हमारा अकाउंट जो है 4 से 5 दिन में डीएक्टिवेट हो जाएगा ना मैम? हाँ जी, उसी डीएक्टिवेशन से रिलेटेड ही आपको बैकएंड टीम के एंड से कॉन्टेक्ट किया जाएगा,
और जो भी अपडेट्स होंगे आपको टीम के एंड से शेयर करे जाएंगे, आप निश्चिंत रहिए। तो पहला तरीका था हमारा ईमेल, आप जो है फ्लिपकार्ट टीम को करोगे, जो कि मैंने ईमेल आपको मेंशन कर दिया है। और दूसरा तरीका था हमारा कि आप कस्टमर केयर पर कॉल करके उनको अपना मोबाइल नंबर बताएंगे, जिसके थ्रू आपका मतलब कि जो फ्लिपकार्ट अकाउंट है वो बना हुआ है, और साथ में जो आपका ईमेल अकाउंट मतलब कि ईमेल अकाउंट के साथ लिंक है वो आप देंगे, तो उससे वो वेरीफाई कर लेंगे कि किस अकाउंट को उनको क्लोज करना है, और आप वहाँ से जो है रिक्वेस्ट करके अपना अकाउंट क्लोज करा सकते हैं।